प्रेजेंटेड बाय आरके राजा म्यूजिक वर्ल्ड। माइक वाले एक माइक दो वहाँ। हेलो 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 यहाँ बैठल तू हो कते कते भगे सोनू जी थोड़ा बता दीजिएगा। हेलो इसके बाद इंद्रजीत कुमार पंडारल और आकाश यादव बनारस तैयार रहेंगे। थोड़ा नाम बता दीजिए। अच्छा 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 धन्यवाद सर। ईसा पायल कौन कौन है? क्या नाम? नीचे ईसा है सर। ये उजला हाँ और पीला टी शर्ट में उसमें नाम लिखा होगा वहाँ पे। इसके बाद इंद्रजीत पहलवान पंडारक और आकाश पहलवान बनारस आप तैयार रहेंगे। उसके बाद मोती पहलवान बेगूसराय और बिरंदर पहलवान बलिया वो भी तैयार रहेंगे। उसके बाद चेतन चौहान गाजीपुर और अजय गुज्जर दिल्ली दो तैयार रहेंगे। तालियों की स्वागत कीजिए मेरे बेटियों का। आज का जो पहला कुश्ती है बेटियों के नाम कोई किसी से कम नहीं रणजीत रंजन के नाम है। एक बाघ है तो एक बाघ है। ऊपर से ऊपर से पायल गोरखपुर से पीला जर्सी में और जो आसमानी कलर का जर्सी है वो ईशा कानपुर की है। दोनों उत्तर प्रदेश की बेटी है। एक गोरखपुर और एक कानपुर दोनों पूर। ये या बचो बचो फाइनल। चलिए पायल की जीत हुई जैसा कि निर्णायक रिम्मी जी ने विशिल दिया। चलिए पायल जी को बधाई और ईशा को भी बधाई। चलिए आइए नाम लीजिए सके संजीव से। चलिए स्टार्ट। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं ये ब्रिज पे अभी कुश्ती अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं ताली बजाइए ताली बजाइए। अभी नहीं है ये ब्रिज पे अभी कुश्ती है। बिल्कुल एक हार मानने वाले नहीं है। बिल्कुल इसके बाद मोती पहलवान बेगूसराय और वीरेंद्र बलिया अब जमीन ले लिया। मोती बेगूसराय और वीरेंद्र बलिया वीरेंद्र पहलवान बलिया। उसके बाद चेतन चौहान खड़ा होकर छोड़िए पहलवान गाजीपुर और अजय गुज्जर पहलवान दिल्ली। और दोनों रेफरी रिम्मी शर्मा जी और सोनू जी दोनों के लिए आप सब एक बार ताली बजा दीजिए। दोनों के लिए दोनों रेफरी के लिए ताली बजाइए। अभी नहीं है सर ब्रिज पे भी है। दोनों रेफरी बचाए बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हैं किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। और तीसरे आठ के रूप में माननीय रामचंद्र बाबू हो गया। चलिए किसकी जीत भी बताइए।
इंद्रजीत लाल झंडा इंद्रजीत पहलवान जीते हैं बिल्कुल। इसके बाद आप चलिए मोती पहलवान बेगूसराय और वीरेंद्र पहलवान बलिया यानी बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आंख में लग गया क्या? ये डॉक्टर साहब थोड़ा इनको फर्स्ट एड कीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ा इंद्रजीत पहलवान के आंख पर परिचय कराइएगा थोड़ा सा। देखिए सर, कल जिसका हीरा कुश्ती होता है उसका भाई है मोती पहलवान, मोती पहलवान, मोती पहलवान पीला जर्सी में जी। हाँ जी। और वीरेंद्र पहलवान बलिया काला जंगल जी जी जी। समय 5 मिनट दीजिए जी। 5 मिनट जी। हाँ बढ़िया कुश्ती है, बढ़िया कुश्ती है। 7 मिनट की 5 मिनट ठीक है ठीक है। चलिए कराओ स्टार्ट। इसके बाद चेतन चौहान, चेतन पहलवान गाजीपुर और अजय गुज्जर पहलवान दिल्ली तैयार रहेंगे। मेडिकल अच्छा जो वो बता रहे सर, एक सेकंड। वो मोती पहलवान जो पीला जर्सी बेगूसराय के हैं और वीरेंद्र जी ब्लैक बलिया के, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कुश्ती हो रही है। अरे ताली तो बजाइए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। भैया तुम सर ताली तो बजा के सब ताली बजाओ। एक कर्मनाशा नदी है बिहार इधर, उत्तर प्रदेश उधर, यानी दोनों के बीच दंगल हो रहा है। बहुत ही शानदार कुश्ती, यह मल्ल युद्ध साधारण नहीं होता, पूरी शक्ति और दोनों पहलवान अपने आप में पूरी प्रयास करते हुए, पूरे प्रयास करते हुए एक दूसरे के साथ मोती पहलवान बेगूसराय बहुत ही अच्छे पहलवान, दोनों भाई पहलवान। अरे बलिया नरेश खैरा के हीरो मोतिया हिली ना उधरो सखुआ के सिल्ली है डोली ना, एगो डोलत नहीं के एगो हिलत नहीं, बड़े ताकत के साथ छपरा ही रे बलिया ही बेगूसराय और बलिया के बीच, बेगूसराय और बलिया के बीच। चलिए 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 विशाल महायुद्ध। आज माननीय विधायक जी देखते हैं कि बेगूसराय हिलता है कि बलिया हिलता है। नहीं बलिया ही बेगूसराय दोनों ही सर अपने आप में लोहा ही है समझ लीजिए। बोलबे की है कि एक तरफ खैरा के हीर तो दूसरे तरफ सखुआ का सिल्ली। इसके बाद चेतन पहलवान तैयार रहे। अंगुली मत तोड़ो, अंगुली मत तोड़ो, नहीं अंगुली मत तोड़ो, दोनों को दोनों अंगुली नहीं तोड़ेंगे। कुश्ती लगे दाव मारो, टेक्निक दिखाओ। पंडाल में जो बांस का बैरिकेड है, बांस का बल्ला है, उस पर से आप उसको खाली कर दें। 1 किलो भी यहाँ लिखा हुआ है, दर्शा दिया कि ये किसमें 60 से 70 वाला है। लोग 60 से 70 वाला, ये 60 से 70 किलो वजन वाली कुश्ती है और दोनों स्टेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। दोनों पहलवान एक उत्तर प्रदेश से स्टेट कुश्ती में भाग लिए हैं, दूसरे बिहार के स्तर से। अपने वजन का बहुत ही शानदार पहलवान। चलिए अंदर चलिए, 4 मिनट का समय हो गया, 1 मिनट बाकी है। जी जी जी, खेल दिखाइए, कला दिखाइए। अरे मोती मोती हो तो देखो कला के प्रदर्शन,
हो बलिया जिला है बलिया वीर लोरी का धरती हो हिली ना बहुत ही शानदार कुश्ती एक दूसरे पर जोर दोनों के प्रयास जारी दर्शक बिल्कुल पूरी ताकत के साथ दोनों पहलवान को चलिए अंदर 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 पलवान अंदर पलवान जो करना है अंदर करो और समय समाप्त समय समाप्त क्या किया जाए पॉइंट वाली आज नहीं आते हैं आज नहीं तो एक मिनट टाइम दीजिए सिर्फ एक मिनट का दीजिए टाइम पूछ लीजिए पॉइंट वाली छोड़ दीजिए तुम लोग एक मिनट एक मिनट का टाइम बढ़ा दीजिए पॉइंट वाली छोड़ दीजिए चलिए चेतन पॉइंट नहीं है आदि पूर्व राजा गुज्जर पालमा दिल्ली एक मिनट टाइम देखिए पॉइंट नहीं है लेकिन एक मिनट दीजिए पलवान दोनों मट्टी लगा लीजिए अरे कोई नहीं चलो चलो लगाओ मट्टी जल्दी करो जल्दी 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 करिए इसके बाद चेतन जी के बाद ब्रजेश बिंद गाजीपुर और सन्नी कुमार पंडार आ जाओ मोती का देख भाई हीरा भी ना विधायक जी आया हीरा भी आज कुश्ती दिखाएगा कल अच्छा हीरा भी बढ़िया दिखाया था मोती का भी बढ़िया कुश्ती हो रहा सर जी जी भाई भाई पहलवान अंगुली रे अरे मोती कुश्ती लड़ो अंगुली मत रखो चलो हेलो हेलो अरे किसकी बात है जो छेड़ देती देर को मोतिया किसकी मजाल जो छेड़ देती देर को ताली बजाइए चलिए अंदर चलिए अंदर स्वागत शानदार बेगूसराय के बहुत चलते रहे कुश्ती चलाते रहो मल्ल युद्ध का आगाज यस सर बहुत चलते रहिए मैं बार बार आग्रह करता हूं जो पंडाल में बांस का बेरा है उस पर दर्शक बैठ गए हैं बच्चे बैठ गए आप खाली कर दें वॉलंटियर मैं गुड्डू जी से आग्रह करता हूं कि उसको खाली करवाएं हाँ वो बांस का बांस के बैरिकेड पर आप उसको खाली कर दें वॉलंटियर चाहेंगे आपको प्रेम से आपको उस पर से उतारेंगे अच्छा नहीं लगेगा आप खाली कर दें आप सबसे आग्रह है जो पंडाल है नीला कलर का हरा उसको खाली कर दे उसके बांस के बल्ले को समय समाप्त हो गया एक मिनट का चलिए दोनों को जाइए चेतन जी ये बिना निर्णय का कोशिश समाप्त हुआ बिना निर्णय का जी जी